नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे मैट्रिक व इंटर परीक्षा की अंतिम तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या है विभागीय आदेश निर्देश, संभावित प्रश्नोत्तर पाने के लिए आपको दीक्षा वेब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा, अभिभावक शिक्षक दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दीक्षा ऐप मैट्रिक व इंटर की परीक्षा का आसान और सही तरीका है, आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, साथियों को वीडियो का लिंक शेयर कर दें, साथ मिलकर पढ़ें, आगे बढ़ें। शिक्षक अभिभावक अपने कर्तव्य अपने दायित्वों का पालन करें, सभी को इसमें जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके संबंध में विभागीय आदेश निर्देश क्या है जानते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया है, जो देख लीजिए लेटर नंबर है 123 और डेट 8 अप्रैल 2021। ये लेटर में कहा गया है, ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है उन विद्यार्थियों के लिए जो माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक बार लेटर को पढ़ लेते हैं। देख लीजिए, ये जो निदेशक हैं, नोडल पदाधिकारी हैं जयंत कुमार मिश्रा, ठीक है, और ये किनको लिखे हैं कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा झारखंड को लिखे हैं। और ये जो विषय है माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर के बोर्ड परीक्षा की तैयारी, अभ्यास हेतु दीक्षा वेब पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यपुस्तक आधारित डिजिटल शैक्षणिक सामग्री के संबंध में, ठीक है, क्या है लिखे क्या लिखा गया है कि महाशया उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड राज्य के सभी विद्यार्थी एवं शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा तैयार किया गया दीक्षा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग वेब पोर्टल पर JCERT के द्वारा राज्य के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक के अनुसार ई कंटेंट जो डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई है एवं इन्हें नियमित रूप से संधारित भी किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। दीक्षा को भारत सरकार द्वारा ई विद्या कार्यक्रम के तहत वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में घोषित किया गया है। राज्य के सभी शिक्षक इस वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है, यानी कि सभी शिक्षकों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है एवं इसमें उपलब्ध TPD यानी कि टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स बेसिक इंटरमीडिएट एवं एडवांस निष्ठा आदि के निर्देशानुसार समय ससमय पूर्ण करना भी है। टीचर को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और इसमें जो उपलब्ध TPD बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस एंड निष्ठा कोर्स जो भी है दिया गया है उसको ससमय पूर्ण भी करना है। राज्य के अधिकांश शिक्षक कोई विद्यार्थी एवं अभिभावकों ने भी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लिया है और नियमित रूप से उपलब्ध ई कंटेंट के माध्यम से शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। वैसे शिक्षक एवं विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक दीक्षा में अपना नामांकन नहीं कराए हैं वह अपना पंजीकरण https://diksha.gov.in में जाकर अथवा किसी एंड्रॉयड ऐप में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। और इसमें विशेष खास बात यह है कि कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी दीक्षा में उपलब्ध अभ्यास प्रश्न के हल आदि
देखने हेतु प्रेरित भी करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन तो करना ही है, साथ में वैसे स्टूडेंट वैसे विद्यार्थी जो 10वें 10th और 12th यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में जो परीक्षा देने वाले हैं उनको इस अभ्यास प्रश्नों पर काम करना देखना सीखना के लिए आपको प्रेरित भी करना है। ठीक है विद्यार्थीगण, अभिभावक किसी भी वैलिड ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर से दीक्षा ऐप में साइन अप और साइन इन कर झारखंड राज्य के अंतर्गत उपलब्ध डिजिटल सामग्री अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है यानी कि आपको क्या चाहिए, एक एंड्रॉयड फोन, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में आप इसमें साइन अप कर सकते हैं और साइन इन करके आप डिजिटल सामग्री पढ़ सकते हैं। ठीक है शिक्षकों को अपने पंजीकरण हेतु ईबीबी टीचर आईडी एवं मोबाइल नंबर से अपना प्रोफाइल वैलिडेट करना है। टीचर को करना है कि ईबीबी का टीचर आईडी से आपका आईडी को वैलिडेट कर लेना है। ठीक है आगे चलते हैं, दीक्षा पोर्टल ऐप से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर होता है तो टोल फ्री हेल्प नंबर भी दिया हुआ है, ये हेल्प नंबर दिया हुआ है देख लीजिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में ये आईडी आपका ये नंबर जो है टोल फ्री नंबर हम दे देंगे, वहाँ से आप देखकर कोई भी समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, या इसके अतिरिक्त एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है जो हम इसको भी दे देंगे, इस ईमेल आईडी से अपना समस्या दर्ज करा सकते हैं। शिक्षकों की सुविधा के लिए गूगल फॉर्म भी उपलब्ध है, इस गूगल फॉर्म का भी हम लिंक दे देंगे जिसके द्वारा पंजीकरण या कर संबंधी कोई भी समस्या का चुनाव कर समाधान हेतु भेज सकते हैं। ठीक है 9 अप्रैल से दीक्षा पर कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के अभ्यास प्रश्न हल उपलब्ध होंगे और इसके अपडेट भी किया जाएगा। दीक्षा के वेब पोर्टल पर कक्षा 9 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध विषयवार अभ्यास प्रश्न हल एवं पाठ्य सामग्री का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है तो चलिए लिंक थोड़ा सा देख लेते हैं, देख लीजिए ये क्लास 10 का हिंदी मीडियम के लिए है, ये आर्थिक विकास की समझ क्लास 10 के लिए, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 ये बाय एनसीईआरटी से है, ये भी 10th के लिए है हिंदी मीडियम, विज्ञान है ना ये भी एनसीईआरटी से है आपका हिंदी मीडियम के लिए, और गणित कक्षा 10 के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तक है। ठीक है उसके बाद है आपका समकालीन भारत 2 और आगे देखते हैं हम लोग, भारत और समकालीन विश्व भाग 2 ये भी हिंदी मीडियम के लिए है। अब इंग्लिश मीडियम में जो है इंग्लिश मीडियम के लिए है देख लीजिए, ये इंग्लिश मीडियम है, मैथ प्रैक्टिस बुक, साइंस प्रैक्टिस बुक, इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट प्रैक्टिस बुक, जियोग्राफी प्रैक्टिस बुक, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 प्रैक्टिस बुक, हिस्ट्री प्रैक्टिस बुक। ठीक है अब 12th का थोड़ा सा देख लेते हैं, 12th में हिंदी मीडियम JH लेखा शास्त्र यानी कि ये कॉमर्स से है, अलाभकारी संस्थाएं और साझेदारी खाते, जीव विज्ञान लेखा शास्त्र, कंपनी खाते एवं वित्तीय वितरणों का विश्लेषण, व्यवसाय अध्ययन भाग 1, व्यवसाय अध्ययन भाग 2, रसायन भाग 1,
रसायन विज्ञान भाग दो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग दो, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग दो, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग तीन। उसके बाद देख लीजिए, यह है गणित पाठ्य पुस्तक भाग एक, गणित पाठ्य पुस्तक भाग दो, भौतिकी भाग एक, भौतिकी भाग दो, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। उसके बाद है भारतीय समाज, स्वतंत्र भारत में राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति, ये आपका हिंदी मीडियम से है, ठीक है। इसी प्रकार आपका इंग्लिश मीडियम में भी है, क्लास टू इंग्लिश मीडियम, ये सॉरी क्लास ट्वेल्व इंग्लिश मीडियम, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट टू। और आगे है देख लीजिए, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट थ्री, मैथमेटिक्स पार्ट वन, मैथमेटिक्स पार्ट टू, कॉन्टेम्पटरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, साइकोलॉजी, इंडियन सोसाइटी, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। उसके बाद है उक्त आलोक में अनुरोध है कि आशय की सूचना सभी विद्यार्थियों को, अभिभावक एवं शिक्षकों को पहुंचाना, यथाशीघ्र पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। दीक्षा पर उपलब्ध डिजिटल शैक्षणिक सामग्री पहुंच सभी विद्यार्थियों के तक हो, इसी उद्देश्य से इसको डिजिटल के रूप में, वीडियो के रूप में तैयार किया गया है। इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपया करेंगे।